दिस इज क्लास एट मैथमेटिक्स चैप्टर वन रेशनल नंबर्स. ठीक है, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फ्यू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स. फर्स्ट इज कम्यूटेटिविटी, नेक्स्ट इज एसोसिएटिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव. ठीक है, पहले मैं कम्यूटेटिविटी के बारे में बता दूँ. कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी का जनरल फॉर्म क्या है? ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. देखो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए इसका मतलब क्या? देखो दोनों ने बस अपने पोजीशन चेंज किए हैं, इन लोगों का कोई मीनिंग चेंज नहीं हुआ है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं a का वैल्यू ले लेता हूँ 2, b का वैल्यू ले लेता हूँ 3. अब सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं यहाँ पे, तो 2 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2. सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 3 कितना होता है? 5. 3 प्लस 2 भी कितना होता है? 5. देखो दोनों का मतलब सेम है, यहाँ पे बस कुछ नहीं हुआ है, साइन वही है, ऑपरेशन वही है, बस यहाँ पे बस इन लोगों की पोजीशन चेंज हुई है. दैट इज कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी. नेक्स्ट है एसोसिएटिविटी. ये क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी. यहाँ भी देखो ए बी सी तीन टर्म्स है, यहाँ भी ए बी सी तीन टर्म्स है, बस यहाँ पे बी और सी पेयर में, यहाँ पे ए और बी पेयर में, इसमें भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. सपोज ए का वैल्यू लेते हैं 1, बी का वैल्यू लेता हूँ मैं 2, सी का वैल्यू लेता हूँ 3. अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3, तो क्या हुआ? पहले ब्रैकेट सॉल्व करूँगा तब भी क्या हुआ? 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना होता है? 4. 1 प्लस 2 कितना होता है? 3. 3 प्लस 2 होता है 5. 5 प्लस 1 कितना हो गया? 6. 3 प्लस 3 कितना हो गया? 6. इसमें भी कोई खास फर्क नहीं आया, बस यहाँ पे बस पेयरिंग चेंज हुआ. यहाँ पे बी प्लस सी साथ में थे, यहाँ पे ए प्लस बी साथ में है, और ऑपरेशन भी तीनों, ये भी दोनों प्लस में, यहाँ भी प्लस ऑपरेशन, दोनों का ऑपरेशन भी सेम है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अगर सपोज ऐसा दिया है ए ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल, इसका मतलब क्या है? ए का ब्रैकेट मतलब इन टू है, ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स है, मतलब ए दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ए मल्टीप्लाई होगा बी से, तो ए इन टू बी क्या होता है? ए बी प्लस का प्लस. ए सी से भी इन टू होगा, ए इन टू सी हमारा क्या होता है? ए सी. अगर इसी चीज़ को उल्टा में लिखूं, अगर ऐसा लिख दूं ए बी प्लस ए सी, अगर मेरे को इसमें से कॉमन लेना है तो इसमें से कॉमन क्या है? ए. कॉमन ले सकता हूं ए, ए हट गया तो क्या बचेगा यहाँ पे? बी. साइन क्या बचा? प्लस. ए तो कॉमन हट गया, क्या बच गया? सी. तो वापस अपने पुराने फॉर्म में चेंज हो गया. ये अपना इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. अब हम लोग जाते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ. एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड. हमारा क्वेश्चन क्या है? यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज, अपने को प्रॉपर्टीज का यूज करके इसको सॉल्व करना है. पहले देखो यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? देखो यहाँ पे मेरे को कॉमन यहाँ दिख रहा है 3/5, इस टर्म में मेरे को दिख रहा है 3/5 कॉमन है. यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने को बस सेम नंबर मिलना चाहिए. लेकिन यहाँ पे देखो 3/5 इसमें पहले लिखा हुआ है, इसमें 3/5 बाद में लिखा हुआ है, तो इसको मैं पहले लिख सकता हूँ. वो कौन सा प्रॉपर्टी है हमारा? कम्यूटेटिविटी. तो इसको पहले लिख देते हैं. चलो 3/5 इंटू माइनस 2/3, ये वैसे का वैसे रहेगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं. कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया हम लोग? कम्यूटेटिविटी. जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे ब्रैकेट में लिखना है, कम्यूटेटिविटी. अब देखो 3/5 अपन ले सकते हैं कॉमन, 3/5 मैंने ले लिया कॉमन, इसमें 3/5 हट गया तो क्या बचेगा? माइनस 2/3. इसमें 3/5 हट गया तो क्या बचा है? यहाँ पे माइनस बचा है, और यहाँ पे क्या बचा है? 1/6. क्या अकेला छूट गया? प्लस 5/2 अकेला छूट गया. ये कौन सा प्रॉपर्टी हमने यूज किया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. पहले हम लोग सॉल्व करेंगे ब्रैकेट, 3/5 रहेगा वैसी, 3 और 6 का एलसीएम क्या होता है? 6. 3 2 6 होता है तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा 2, 2 2 4, 6 1 6 ऊपर होगा मल्टीप्लाई 1, 1 1 1, प्लस 5/2 वैसी का वैसी. ब्रैकेट का मतलब तो इनटू होता है, कोई दिक्कत नहीं है. -4 -1 क्या होता है? -5. नीचे में क्या है? 6. यहाँ पे अपने पास बचा प्लस 5/2. ब्रैकेट का मतलब इनटू होता है, मतलब इन लोगों को हम काट सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं. तो 5 1 5, 3 2 6, क्या बच गया यहाँ पे? -1/2, प्लस यहाँ पे क्या बचा है? 5/2. दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम क्या आएगा? 2. दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम सेम है, इसका मतलब न्यूमरेटर एज इट इज -1 प्लस 5. -1 प्लस 5 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 4. 4/2.
अपने को पता है टू की टेबल में फोर आता है, डायरेक्ट कैंसल आउट, टू टू इज द आंसर ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन। इसी का एक और क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड क्वेश्चन है, उसी के जैसा है, और ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 +1/14 इंटू 2/5। इसमें कॉमन ढूंढते हैं, 2/5 इसमें कॉमन है 2/5, लेकिन यहाँ पे 2/5 पहले लिखा है, यहाँ पे 2/5 बाद में लिखा है, तो इसको पहले लिख देंगे। कौन सा प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। तो अपन स्टार्ट करते हैं, 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस, इसको पहले लिखेंगे, 2/5 इंटू 1/14। कौन सा प्रॉपर्टी? ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, कम्यूटेटिविटी। अपन लेंगे कॉमन, 2/5 ले लिए कॉमन, क्या बचा है यहाँ पे? -3/7, 2/5 गया तो क्या बचा है यहाँ पे? +1/14, क्या छूट गया? ये पूरा छूटा हुआ है, इसको अलग से लिखना है ब्रैकेट के बाहर, -1/6 इंटू 3/2। अब करेंगे सॉल्व ब्रैकेट, 7 और 14 कैल्सियम होता है 14, 7 × 14 आता है 2 टाइम्स में, 2 ऊपर मल्टीप्लाई, 3 × 2 = 6, 14 × 1 = 14, 1 × 1 = 1। ये भी इंटू में कैंसिल आउट हो सकता है, 3 × 2 = 6, तो यहाँ पे क्या बचा? 1 × 2 = 1/2 इंटू 1/2 बचा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे ब्रैकेट में देखो, -6 + 1 कितना होता है? -5, नीचे बचा 14, 1 × 1 = 1, 2 × 2 = 4, ये भी कैंसिल आउट होगा, 5 × 1 = 5, 2 × 7 = 14, क्या बच गया? क्या बच गया? -1/7 -1/4, 7 और 4 कैल्सियम, 28, 7 × 4 = 28, 4 ऊपर मल्टीप्लाई, 4 × 1 = 4, 4 × 7 = 28, 7 × 7 = 7, -4 - 7 -11/28, दिस इज योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।